हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में वेलकम कर रही हूँ आप सबका। आप सामने देख रहे होंगे आरती का मेकअप हो रहा है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और ये वाला जो वीडियो है ये भी मैंने सोचा इसमें कंप्लीट मेकअप लुक आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। जैसे आप लोग, मैं ये नहीं बताऊँगी, ट्यूटोरियल नहीं होगा, सिर्फ इतना कि आरती ने राजस्थानी जो पोशाक होती ना वो पहनी थी और उसमें जो मेकअप क्रिएट किया था, मेकअप लुक क्रिएट किया था, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि घर में एक फंक्शन है आरती की ससुराल में, तो वहाँ पर जाना है इसको। आज जिस दिन ये तैयार हो रही है, इस दिन शादी है और शादी में जाने के लिए रेडी हो रही है। और अभी हमारे पास आई थी इधर तकरीबन 7:30-8 बजे के लगभग, और इसको जाना है 9:30 बजे के लगभग, क्योंकि सेम सिटी में शादी है, बारात सेम सिटी में ही जाएगी। इसके देवर की शादी है, मतलब रिलेशन में देवर है, तो इसको फिर यहीं से रेडी होकर के जाने में ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भी सब लोग बिजी रहेंगे ना, और फिर दो छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर इतना तो मतलब बनता है यार तैयार होना, और ये सारे काम जब सेम सिटी में होते हैं ना तो फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये आ गई थी और भाभी ने जैसे लास्ट डे इसको तैयार किया था, तो इसको पूरा कॉन्फिडेंस भी था कि भाभी मेरे को बहुत अच्छे से तैयार कर देंगी, लेकिन बस आज ये एक बवंडर और फैल गया था, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे सारे घर में इकट्ठे हो गए, दो इसके, दो मेरे, एक श्री, तो 5 बच्चे घर में हों तो कैसा बवाल मचता है, और सारे छोटे छोटे हों तो बवाल तो बहुत मच गया था। एक बार तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक खुद को ही, मतलब वो हम लोग तो समझ जाते हैं लेकिन ये थोड़ा सा समझती नहीं है ना, थोड़ा सा हर चीज़ में थोड़ा जल्दी टेंशन में आ जाती है। तो इसने कहा था कि रहने दो, ऐसे ही मैं लिपस्टिक लगा लूँगी और फिर नवली लगा के तैयार होकर चली जाऊँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चे सारे हम लोग संभाल लेंगे, कभी मम्मी, कभी अर्जुन, कभी बड़ा भाई, हम लोग मिल करके बच्चों को संभालेंगे, तू तैयार हो जा। तो यहाँ पर देखो श्री को भी रेडी कर दिया है, और अभी इसकी हेयर स्टाइल वगैरह सेट करनी है भाभी को, और काफ़ी चीज़ें इसकी सेट हो चुकी है, फेस मेकअप हो चुका है, और हेयर स्टाइल में ना 2-3 चीज़ें ट्राई की थी लेकिन इसको कंफर्ट नहीं फील हो रहा था। फिर लास्ट में हमने जो डिसीजन लिया वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अब मैं इसको चूड़ा पहना रही हूँ। इसको चूड़ा पहनने में भी थोड़ी डिफ़िकल्ट मतलब लगता है चूड़ा पहनना भी, क्योंकि काफ़ी चूड़ियाँ हो जाती ना पूरा चूड़ा, तो मैंने कहा चल मैं पहना देती हूँ। और पहले जैसे पहले थी ना उसमें और अब में अंतर है, नॉर्मल होने में समय लगेगा। जो लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं उनको पता भी होगा, जिनकी फैमिली में इस तरीके की केसेज है ना उनको पता भी होगा, तो समय लगेगा, लेकिन धीरे 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 नॉर्मल हो जाए। इसको जितना हो सके उतना खुश रखने की हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि आगे इसकी लाइफ में कोई भी दिक्कत ना आए और ये स्ट्रेस फ्री हो, क्योंकि इसको हर एक छोटी सी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मतलब समझ लो बच्चे को भी, बच्चा चलते चलते गिर गया, उस चीज़ पे भी इसको बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है, उसको भी ये मतलब वो होता ना कि नॉर्मली नहीं लेती है, उसको भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है उसमें भी। तो यहाँ पर ये चूड़ा जो है ना, ये पता है कब लेकर आए थे? ये इसकी शादी में ये जो चूड़ा पहना है इसने, ये मैंने गिफ्ट किया था इसकी जब इसकी शादी हुई थी 4 साल पहले। और ये जो इसने पोशाक पहनी है ना, ये भाई की शादी में लेके आई थी, अरुण की शादी में। मेरे पास इसके सेम ऐसी ही स्काई कलर में है और इसके पास ये येलो कलर में है, तो दोनों बहनें हम अरुण की शादी में पोशाक भी लेकर आए थे। तो इसका चूड़ा देखो कम्प्लीट तैयार हो चुका है, और अब आप बताना। तो जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी शादी में जाना है, तो मुझे देखो तैयार कर दिया है भाभी ने, ठीक है। और आज मैंने राजस्थानी बेस पहना है, ठीक है, पूरा लुक तो नहीं है राजस्थानी क्योंकि वो मुझसे हैंडल भी नहीं होता, ठीक है। और कैसे लग रही हूँ मैं मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं, अभी घर पर जाना है, उसके बाद में सीधा शादी। तो जी जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि बच्चे बहुत हैं, तो इस टाइम पर पता नहीं कौन सा बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था, तो मुझे वॉइस म्यूट करनी पड़ी। और यहाँ पर फिर ये आ चुकी है किचन में, और किचन में आके कह रही है मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट करके और फिर मैं तेरे को देती हूँ। मैंने कहा ठीक है तू कर दे शूट, तो इसने ये थोड़ा सा व्लॉग यहाँ पर अंदर जाके भी शूट किया। इसको ना पता है व्लॉग डालने नहीं है लेकिन शूट करना है, अच्छा लगता है इसको शूट करना, तो क्योंकि वो जो आदत है वो छूटने वाली नहीं है व्लॉगिंग की। और ये इसका कंप्लीट लुक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। कैसी लग रही है मेरी प्यारी सी बहन, आप सब बताना। बाहर का एरिया है तो लाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रतीक जी आ गए थे लेने के लिए, अब ये जा रहे हैं, और ये बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। मैं इससे बात करती हूँ, इसने एक क्लिप और बनाई थी, अगर होगी तो मैं इसके पास सामने मतलब यहीं पे एडिट कर दूँगी, क्योंकि मुझे याद आ रहा है इसने एक क्लिप और बनाई थी, उसमें ये शायद बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रही है, आप लोगों को दिखेगा।
तो जी फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये दोनों ग्रहणियाँ वापस काम पे जुट चुकी हैं। ये हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा डीजे बरखा। शिव तांडव पहला गाना शुरू करो तो अब शिव तांडव पे पहुंच चुके हैं सब लोग। ठीक है, और अर्जुन एक तरफ अपनों खुद को तांडव मचा रहे हैं, भूख लगी भूख लगी। अर्जुन तांडव शुरू। ठीक है, तो जी मिलते हैं सीधा शादी में। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके मैं मतलब आती रहती हूँ तो इनका मूड भी चेंज होता रहता है ना। मैं इन्हें सरप्राइज देती रहूं और के मैं थार मूड चेंज करूं और थम मेरो की कड़ी सारी थैली टंग रही। तो जी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और ये देखो पार्सल वाले भैया आए थे और ये पार्सल देकर गए हैं। और ये पार्सल आया है अरुण की कंपनी से, मतलब मैंने आपको बता दूं कंपनी से आया है लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है वैलेंटाइन डे गिफ्ट और इसके अंदर ना चॉकलेट्स हैं। तो हम लोग भाभी को चिढ़ा रहे थे जैसे आते ही ये पार्सल की भाभी देखो अरुण के लिए ना वैलेंटाइन डे का गिफ्ट आया है और इसमें अरुण आज है नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, वैसे जिंद गया हुआ है वो। तो उसके पीछे से हम लोग चिढ़ा रहे थे और अरुण का फ़ोन आया था कि पार्सल खोलना मत भाभी के पास, कि पार्सल खोलना मत, पार्सल आया है मेरे लिए एक स्पेशल। हमारी प्लानिंग थी कि भाभी को चिढ़ाएंगे और हमने भाभी को इस पार्सल को लेकर के पूरे दिन चिढ़ाया कि अरुण के लिए ये चॉकलेट्स किसने भेजी हैं वैलेंटाइन डे पर। और भाभी पूरे दिन पता है मतलब हमारा वो होता है ना मतलब मजाक, उसको समझ में आ रहा था क्योंकि हम लोग इस तरीके का इन्वायरमेंट रखते हैं घर में। भाभी समझ तो रही थी लेकिन वो है ना मतलब वो होता है ना कि हम लोगों का दिल रखने के लिए और ये सोच के कि इन सबको अच्छा लगेगा, वो हमारी प्लानिंग का हिस्सा बन रही थी जानबूझ के। उन्होंने शाम को बताया हमें, तो मैं यहाँ पे देखो श्री ने पोटी कर दी थी, वो पोटी उठा रही है, मैं यहाँ पे भाभी को कह रही हूँ देखो अरुण का पार्सल आया और हाथ भी मत लगाना, आप लोगों के आपके लिए ना स्पेशल मना किया है उसने और इसके अंदर ना वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है। तो पार्सल को रख दिया अंदर, काम सारा मेरा हो चुका है और अभी मैं बाहर चलती हूँ। मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे और मम्मी को भी पता है कि ये पार्सल कंपनी की तरफ से आया है और मम्मी का फ़ोन दे देते हैं अब। और आंटी दो तीन दिन से नहीं आ रहे थे लेकिन जिस दिन आपके पास ये ब्लॉग आएगा ना उस दिन आंटी ने आना रेगुलर शुरू कर दिया है। अब जितना ज़्यादातर काम है वो आंटी कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब मैं मम्मी का आराम से ख्याल रख सकती हूँ, घर का काम जो है ना उसकी कोई टेंशन नहीं होगी। ये देखो श्री जो है ना उसकी एक्टिविटीज़ देखना आप अभी, वो अर्जुन जो है ना उसकी पिटाई कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अर्जुन उसको मतलब मूड का पता चल जाता है जब गुस्से से, तो हम अगर बोल भी जाएँ ना तो वो रोना शुरू कर देती है और प्यार से चाहे उसकी पिटाई करते रहो वो खुश होती रहती है। बच्चे भी मतलब पूरी लैंग्वेज समझते हैं, प्यार की भाषा समझते हैं, देखो कितना खुश हो रही है ना। अभी मैं इसका साउंड ऑन करती हूँ। अच्छा टी शर्ट में सुनी बहुत लाग रही बिना फिर चाबी रखो, चाबी चाबी रखो, दे बुआ जी को चाबी दे दो, बुआ जी को चाबी देना बेटा, ले मेरे चंदा तो बहुत अच्छा है, ऐसे कह दो मान जा बेटा, ऐसे कह दो चाचू को मान जा, गिरती अभी देखा नहीं रो कौन दे। चल देख चल देख, इधर आ इधर इधर आ श्री, या आना बेटा वापिस ले, अर्जुन फिर लेके आना वापिस नौकरी, आ जा वापिस बाहर। अरे मम्मी काट रही है कच्छो है, मम्मी कच्छो काट रहा हो जी कच्छा। बोल दियो आपको किसी को सीखना हो तो बता देना भाई ना, हमने कच्छो नहीं सीखनो, तो कुछ भी सीखना हो वही बता देना, मैंने तो कुछ नहीं सीखा। और ये देखो मेरी जो प्रॉब्लम है आप सबको पता ही, मेरे पैर में दर्द आ जाता है, तो कल भी आ गया था अचानक से दर्द आया, फिर उसके बाद में ये जो एक्सरसाइज है इसके लिए भाभी भी कह रही थी, अर्जुन भी कह रहा था कि ये एक्सरसाइज कर अभी सही हो जाएगा, और मैंने ये वाली एक्सरसाइज की एक मतलब जिस तरीके से मैं बता रही हूँ और मुझे हकीकत में फ़ायदा हुआ। 5-7 मिनट के लिए तो मेरे दर्द था लेकिन बाद में मेरा दर्द एकदम ख़त्म हो गया। तो मैं ये प्रॉपर तरीके से आप लोगों को फिर कभी वीडियो में शूट करके बताऊँगी कि अगर किसी के, और पेन भी बताऊँगी कौन सा पेन है, वो पेन आए तो ये एक्सरसाइज करने से वो सही हो जाता है, मतलब नसों में खिंचाव आ जाता है। ये लोग मेरे को बता रहे थे भाभी योगा वगैरह करती रहती है ना, आपको पता है मतलब पहले भी उन्होंने योगा के वीडियोज़ बनाए हैं जब अर्जुन चैनल पे काम करता था तब,
तो यहाँ पर अभी हमने लगा लिए हैं कार्टून, और मम्मी जो है वो नैनी के साथ थोड़ा पे लाड़ लड़ा रही थी, और उस टाइम पर श्री जो है वो पूरी तरह चिढ़ रही थी। मैंने वो वाली वीडियो जो है ना, मतलब जब वो चिढ़ रही थी वो वाली मैं बना ही नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम मेरे हाथ में कैमरा नहीं था। और ये देखो ये वाली क्लिप के बच्चे जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपना हक समझते हैं। मतलब ये नैनी जो अगर मेरे पास भी आए ना तो श्री को चिढ़ होने लग जाती है कि बुआ के पास तो मैं ही जाऊँगी, मेरी बुआ जी है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। और श्री का मुँह देख सकते हैं कितना उदास हो चुका है, और अब हम इसको ज़्यादा उदास नहीं करेंगे, इस वीडियो का एंड करेंगे। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना, और ज़रूर बताना आरती कैसी लग रही थी। आपके कॉमेंट्स वो जरूर रीड करेगी, आपके कॉमेंट पढ़कर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाय।